हेलो किसान भाइयों, राम राम। स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से किसान बाजार भाव में। मैं सनी कुमार गुप्ता और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों, महाराष्ट्र के सभी बड़ी मंडियों में सोयाबीन के भाव 30 मई 2020 को क्या देखने को मिले हैं। मतलब दोस्तों, कल था 29 मई 2020 और कल शाम के जितने भी अपडेट आए हैं सोयाबीन के, मैं आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और दोस्तों, चैनल पहली बार आए तो वीडियो के नीचे रेड बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि दोस्तों, मैं डेली आप लोगों को महाराष्ट्र की मंडियों, सभी बड़ी मंडियों का सोयाबीन के दाम बताता रहता हूं, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को बहुत से चैनल के माध्यम से सोयाबीन के दाम बताया जाता है, जिसमें लिखा होता है कुछ और बताया कुछ और जाता है। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ पर आप लोगों को 100% सटीक जानकारी देते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, हम देखते हैं क्या रहे हैं मंडियों के भाव। तो चिखली मंडी की बात करें, 3400 से लेकर दोस्तों 4000 का भाव देखने को मिले हैं। आवक दोस्तों 1465 क्विंटल देखने को रही है। करंजा मंडी की बात करो दोस्तों, तो यहाँ पे 3540 रुपये से लेकर दोस्तों 3780 रुपये भाव देखने को मिले हैं। आवक की बात करो तो आवक यहाँ पे 820 क्विंटल देखने को रही है। परली बैजनाथ मंडी की बात करो दोस्तों, तो 3150 से लेकर दोस्तों 3600 का भाव देखने को मिले हैं। आवक की बात करो तो आवक यहाँ पे 350 क्विंटल देखने को रही है। नेक्स्ट टाइम बात करेंगे तेलारा मंडी में, जो कि 3150 से लेकर दोस्तों 3349 का भाव देखने को मिली है। आवक की बात करो तो आवक यहाँ पे 49 क्विंटल देखने को रही है। नागपुर मंडी की बात करो 3326 से लेकर दोस्तों 3685 का भाव देखने को मिली है। आवक 430 क्विंटल देखने को रही है। तो दोस्तों, साथ ही साथ वीडियो को लाइक अवश्य करें। बात करेंगे दोस्तों लातूर मंडी में, जो कि 3500 से लेकर 3670 रुपये भाव देखने को मिले हैं। आवक दोस्तों 11020 क्विंटल देखने को रही है। नेक्स्ट बात करेंगे भोकरदन मंडी में, जो कि 3540 रुपये से लेकर दोस्तों 3615 रुपये भाव देखने को मिले हैं। आवक दोस्तों 35 क्विंटल देखने को रही है। भोकर मंडी की बात करो तो 3040 रुपये से लेकर दोस्तों 3350 रुपये भाव देखने को मिली है। आवक की बात करो तो आवक यहाँ पे 14 क्विंटल देखने को रही है। नेक्स्ट बात करेंगे रजौरा मंडी में, जो कि 2895 रुपये से लेकर दोस्तों 3675 का भाव देखने को मिली है। आवक की बात करो तो आवक यहाँ पे 37 क्विंटल देखने को रही है। अकोला मंडी की बात करो दोस्तों, तो 3200 से लेकर दोस्तों 3550 का भाव देखने को मिली है। आवक की बात करो तो आवक यहाँ पे 1506 क्विंटल देखने को रही है। तुलजापुर मंडी की बात करो 3651 रुपये से लेकर दोस्तों 3651 का भाव देखने को मिला है। आवक की बात करो तो आवक यहाँ पे 12 क्विंटल देखने को रही है। पाथरी मंडी की बात करो तो पाथरी मंडी में 3296 रुपये से लेकर दोस्तों 3391 का भाव देखने को मिली है। आवक की बात करो तो आवक यहाँ पे 12 क्विंटल देखने को रही है। हिंगोली खानेगांव नाका मंडी की बात करो तो 3500 से लेकर दोस्तों 3600 का भाव देखने को मिली है। आवक दोस्तों 156 क्विंटल देखने को रही है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखें। यवतमाल मंडी की बात करो तो 3245 रुपये से लेकर दोस्तों 3640 रुपये भाव देखने को मिली है। आवक 950 क्विंटल देखने को रही है। निलंगा मंडी की बात करो तो 3300 से लेकर दोस्तों 3595 का भाव देखने को मिला है। आवक की बात करो तो आवक यहाँ पे 80 क्विंटल देखने को रही है। और साजरी मंडी की बात करो दोस्तों 3499 रुपये से लेकर दोस्तों 3580 रुपये भाव देखने को मिली है। आवक की बात करो तो आवक यहाँ पे 90 क्विंटल देखने को रही है। गंगाखेड़ मंडी की बात करो 3710 रुपये से लेकर दोस्तों 3900 का भाव देखने को मिले हैं। आवक दोस्तों 104 क्विंटल देखने को मिला था। नेक्स्ट हम बात करेंगे मुरुम मंडी में, जो कि 3251 रुपये से लेकर दोस्तों 3501 रुपये भाव देखने को मिली है। आवक दोस्तों यहाँ पे 75 क्विंटल देखने को रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अखाड़ा बालापुर मंडी में, जो कि 3800 से लेकर दोस्तों 3900 का भाव देखने को मिला है। आवक की बात करो तो आवक यहाँ पे दोस्तों 45 क्विंटल देखने को रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों वर्षी मंडी में, जो कि यहाँ पे 3300 से लेकर दोस्तों 3700 का भाव देखने को मिले हैं। आवक की बात करो तो आवक यहाँ पे 465 क्विंटल देखने को रही है। कोपरगांव मंडी की बात करो 3000 से लेकर दोस्तों 3699 रुपये भाव देखने को मिले है। आवक की बात करो तो आवक यहाँ पे 360 क्विंटल देखने को रही है। राता मंडी की बात करो तो 3800 से लेकर दोस्तों 3800 का भाव देखने को मिले हैं। आवक की बात करो तो आवक यहाँ पे 8 क्विंटल देखने को रही है। नेक्स्ट टाइम बात करेंगे नंदूरा मंडी में, जो कि 2901 रुपये से लेकर दोस्तों 3650 का भाव देखने को रही है। आवक की बात करो तो आवक यहाँ पे 100 क्विंटल देखने को रही है। सेनगांव मंडी की बात करो दोस्तों, 2700 से लेकर 3550 का भाव देखने को मिले हैं। आवक की बात करो तो आवक यहाँ पे 61 क्विंटल देखने को रही है। नेक्स्ट में बात करेंगे दोस्तों कटोल मंडी में, जो कि 2750 रुपये से लेकर दोस्तों 3601 रुपये भाव देखने को मिले हैं। आवक की बात करो दोस्तों तो आवक यहाँ पे 140 क्विंटल देखने को रही है। उमरगा मंडी की बात करो दोस्तों, तो 3201 रुपये से लेकर 3550 का भाव देखने को मिला है। आवक की बात करो दोस्तों तो आवक यहाँ पे 6 क्विंटल देखने को रही है। नेक्स्ट में बात करेंगे आस्टिक करंजा मंडी में, जो कि 3500 से लेकर दोस्तों 3750 का भाव देखने को मिली है सोयाबीन में। आवक की बात करो आवक यहाँ पे 241 क्विंटल देखने को रही है,
देवड़ी मंडी की बात करें तो 3592 रुपये से लेकर 2324 रुपये भाव देखने को मिले हैं। आवक की बात करें तो आवक यहाँ पे 12 कुंटल देखने को रहेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट में बात करेंगे देवलगांव राजा मंडी में, जो कि 3250 से लेकर 3500 के भाव देखने को मिले हैं। आवक 22 कुंटल देखने को रहेंगे। हिंगोली मंडी की बात करो 3650 से लेकर 3950 का भाव देखने को मिले हैं। आवक की बात करो, आवक यहाँ पे 250 कुंटल देखने को रहेंगे। तो दोस्तों ये थी आज के महाराष्ट्र मंडियों में सोयाबीन के भाव। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि हमारे और किसान भाइयों तक जानकारी पहुंचे और जानकारी का लाभ उठा सके। और दोस्तों चैनल पहली बार आए तो वीडियो के नीचे रेड बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि दोस्तों वेबसाइट हो या टेलीग्राम हो या आप लोग को इंस्टाग्राम हो, आपको सारा लिंक इसको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर भी दोस्तों जाइए और फॉलो और विजिट जरूर करें। और दोस्तों आप लोग फेसबुक चलाते हैं तो दोस्तों फेसबुक में जाके सर्च ऑप्शन में सर्च करें किसान बाज़ार भाव। दोस्तों वहाँ पर जाके हमें फॉलो और दोस्तों वीडियो को जरूर देखें, वहाँ पर बहुत सी जानकारी अभी अपडेट दे रहा हूँ। तो दोस्तों अपने चैनल के माध्यम से यही सब वीडियो लेके आता रहता हूँ सोयाबीन के रिलेटेड और अनाज मंडियों के रिलेटेड लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों चैनल को सपोर्ट जरूर करें। चलो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।